तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देख करके योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं, और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे, ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। इसमें कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं, कौन तो इसमें बुरी बात क्या है? तो कल आप जा भी रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है, और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें, और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार कि इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है और इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के सहनशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में, लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को, बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर कल आप जा भी रहे हैं, वहां पे दंगे वहां से शुरू हुए थे, सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा करते हुए उनको मार दिया गया, तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं है, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ कुछ पॉकेट्स में है? बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, प्लान की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं, वे पलायन उनको पसंद है, व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वे इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन, क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है, उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। श्री राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर
पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा, और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती, और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहां पे दो तरफा होती जा रही है, लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहां पे उद्धृत करना आवश्यक है जी, क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी, अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था।